जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो SSC GD 2021 की भर्ती दिए हैं और उनका रिजल्ट आ चुका है और जो रनिंग की तैयारियां करना चाहते हैं और उनके मन में ये डाउट आ रहे होंगे कि रनिंग कैसे स्टार्ट करें और जो अगर रनिंग का जो हमारा एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद आगे क्या क्या प्रोसीजर होगी और किस तरह से रनिंग करवाते हैं वो और रोड पर करवाते हैं या ग्राउंड में करवाते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं उनके मन में बहुत से सवाल उठते हैं। पहले जो बार जो जिनकी भर्ती होती है उनके मन में कॉमन से सवाल होते हैं दोस्तों, जिनकी वजह से जो कैंडिडेट है वो परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रनिंग की दोस्तों। तो रनिंग जो है, अगर आप पहली बार स्टार्ट करें, अगर आपकी पहली भर्ती दोस्तों, तो उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब भी आप रनिंग करो तो आपको 3-4 बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करनी है उससे पहले आपने अपनी बॉडी को जो वो वार्म अप करना, वार्म अप मीन्स आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना जरूर, जैसे उठक बैठक होगी या नॉर्मल ऐसे अपनी बॉडी को जो है वो मूवमेंट देनी है, ठीक है। और थोड़ा सा वार्म अप होना, डायरेक्ट कभी भी आप रोड पे या ग्राउंड पे जाके डायरेक्ट कभी भी नहीं दौड़ना दोस्तों। उससे क्या होगा, आपकी मसल में खिंचाव आएगा और इतना जोर से पेन होगा आपको, आप दूसरे दिन दौड़ने नहीं जा पाओगे। नंबर एक बात ये होगी। और नंबर दूसरी बात जो है दोस्तों कि आपको जब भी दौड़ना है तो आपके पास अच्छे शूज़ होने चाहिए, थोड़े स्पंजी शूज होने चाहिए या फिर PT वाले शूज होने चाहिए, जिससे आपके जो पाँव में जो है वो मोच वगैरह ना लगे और ना ही आपके जो तलबे हैं उस पर दिक्कत आए। अगर हार्ड सोल रहेगा दोस्तों तो उस पर आपके तलबे में जो वो नीचे जो पाँव का जो आपका पैर का जो सोल है उसमें दिक्कत आ सकती है, उसमें जो दोस्तों मांस वगैरह जो थोड़ा सा उसमें फट सकता है उससे दिक्कत आ सकती है दौड़ने में, आपकी जो पिंडलियां हैं उसमें दर्द हो सकती है, मसल्स पेन होता है आपको, ठीक है। और नंबर तीसरी बात जो है दोस्तों, आपको जब भी दौड़ना तो एक टाइमर सेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टाइमिंग में जो रनिंग है आपकी वो आनी चाहिए। तो पहले धीरे धीरे स्टार्ट करें, जैसे 5 किलोमीटर की लंबी रेस होती है, इसमें 24 मिनट का समय आपको दिया जाता है उसमें। तो जब आप शुरू में रनिंग कर रहे हैं तो अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अब फर्स्ट स्टेज में है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करें। जैसे आज 1 किलोमीटर दौड़े, अगर नहीं दौड़ पाते फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं, थोड़ा धीरे धीरे, अभी टाइम है आपको, जो फिजिकल होगा उसमें बहुत समय है अभी, तो धीरे धीरे स्टार्ट करें। ये नहीं कि 5 किलोमीटर एक साथ ही दौड़ गए आप, नहीं, धीरे धीरे 1 किलोमीटर दौड़ा, फिर स्टेमिना बढ़ा, 2 फिर 3, फिर जैसे ही आप 5 पर पहुँच जाओगे दोस्तों, कई होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो 5 किलोमीटर एक साथ ही भाग जाते हैं दोस्तों, होते हैं जो गांव देहात के होते हैं, उन जिनका जो फिजिकल होता है, फिटनेस जो अच्छी होती है उनकी। तो जो नए हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ स्पेशली, तो धीरे धीरे आप जो है वो स्टार्ट करें और जैसे ही आप 5 किलोमीटर आप सक्षम हो जाओगे कि आप 5 किलोमीटर जो है वो दौड़ सकते हैं, तो अब आप टाइमर सेट कर दीजिए और उसे 24 मिनट के अंदर जो है वो लाने की कोशिश करें और धीरे धीरे जो है वो आपका जैसे 35 मिनट आ रहा है, 30 मिनट, फिर उसे 24 मिनट में जो है वो लाने की कोशिश करें। अब 5 किलोमीटर जो लंबी दौड़ होती है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपकी दौड़ होती तो स्टार्टिंग में जो है वो आपको ज़्यादा नहीं भागना है, फास्ट नहीं भागना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीरे और स्टेप बना के दौड़ना है। स्टेप बना के मीन्स एक लंबा स्टेप रखना आपने, ठीक है, ये नहीं धीरे धीरे चले, छोटे छोटे स्टेप नहीं, लंबे लंबे स्टेप रखने और एक स्पीड में दौड़ना है। एक स्पीड बनाए रखोगे लिमिट और लास्ट में आपको लगेगा कि नहीं, हाँ आप खींचने का टाइम, तब खींच सकते हैं। ये तो हुई आपकी फिजिकल जो आपकी तैयारियां हैं, कैसे करनी है आपको, ग्राउंड में करनी है या फिर रोड पे करनी। दोस्तों अगर ग्राउंड में जब आप तैयारियां करते हो, ग्राउंड में तैयारियां करने का आपको ये रहता है कि ग्राउंड में जो आप तैयारियां करते हो तो उससे जो रनिंग है आपकी जो है वो रोड पे जो है वो अच्छी आएगी, क्योंकि ग्राउंड में जो होता जो आपके पांव जो होते हैं वो धंसते हैं और जो रोड पे होता है जब आप दौड़ोगे तो उससे आपको और स्पीड मिलती है। तो ग्राउंड में जब आप तैयारियां करते हैं तो ग्राउंड में आपको कम स्पीड मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होता है वो आपका उसमें स्पेंड होता है। तो दोस्तों अगर जिनका ग्राउंड है वो ग्राउंड में तैयारियाँ कर सकता है और जिनके यहाँ रोड अवेलेबल है तो वो रोड पर भी तैयारियाँ कर सकते हैं, रोड पर भी रनिंग कर सकते हैं। और रनिंग करते समय दोस्तों अगर रोड पे दौड़ रहे हैं तो आप ध्यान रखें, अपना सेफ्टी का जो है वो ख्याल रखें, रोड पे तभी आप रनिंग करें जब ट्रैफिक ना हो, उसी दौरान जो है वो आप दौड़ें। और ग्राउंड में तो आपको पता है, ग्राउंड में तो जब मर्जी आप दौड़ सकते हैं, तब दौड़ सकते हैं। और रही दूसरी बात आपकी, दोपहर में दौड़ें या सुबह दौड़ें या कब दौड़ें, तो दोस्तों इसमें आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप में क्षमता होनी चाहिए दौड़ने की, आप सुबह दौड़ो या शाम को दौड़ो या दोपहर में दौड़ो, इसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं सुबह दौड़ूं
तो जो रनिंग है वो अच्छी आती है दोपहर में, तो आप दोनों टाइम ट्राई कर सकते हैं, सुबह भी और दोपहर में भी। कई वक्त क्या होता है, जैसे आपका फिजिकल जो है दोस्तों मई जून में आ गया, तो उसमें क्या होता है कि बैच वाइज जब दौड़ाएंगे आपका, तो किसी का जो दौड़ है वो सुबह ही आ जाएगी और किसी कैंडिडेट्स की जो दौड़ है वो दोपहर को, किसी की शाम को, इस तरह से आएगी एसएससी जीडी की। आर्मी की तरह नहीं होता इसमें कि सुबह से ही आपको दौड़ा दिया और 10-11 बजे तक आपका दौड़ क्लियर करवा रही, इस तरह से इसका नहीं होगा दोस्तों। जो मेरा फिजिकल हुआ था तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपका फिजिकल है वो भी इसी तरह से होगा, क्योंकि केंद्रीय बलों की भर्ती है सारी, CAPF, ITBP, असम राइफल, SSB, CISF और BSF, जितनी भी CRPF, जितनी भी ये फोर्स हैं, इनका जो है वो कोई जो है वो फोर्स इसमें आपको ग्राउंड में करवा सकती है, कोई जो है रोड पे, जिनके पास जो अवेलेबल होगा उसमें आपको दौड़ा सकते हैं। जो हमारा हुआ था वो SSB कांगड़ा, SSB सपड़ी, जो ट्रेनिंग सेंटर है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हमारा वहाँ पर हुआ था दोस्तों फिजिकल 17 अगस्त को हुआ था। तो वहाँ पर बारिश हुई थी और ग्राउंड जो है वो बिल्कुल ही भीग चुका था और ग्राउंड में बिल्कुल ही कीचड़ हो चुका था, एक साइड जो राउंड था वो कीचड़ हो चुका था और उसमें दौड़ना जो है बहुत ही टफ लग रहा था। तो हमने सोच लिया था कि रनिंग वगैरह तो इसमें नहीं हो पाएगी, लेकिन वो उस टाइम वो नहीं मानते हैं, कीचड़ हो चाहे कुछ भी हो आपको दौड़ना है तो हर हालत में दौड़ना, वो नहीं देखते हैं कि मौसम कैसा है। हाँ, सुबह बारिश हो रही थी, जब बारिश सही रुक जाती तब जो है वो स्टार्ट करते हैं दौड़ाने। तो अब हमारा जो बैच था दोस्तों वो 50-50 का बैच दौड़ाया जा रहा था। अब वहाँ पर इतना टेक्निकल उन्होंने नहीं कर रखा था कि आपके पाँव में चिप बंधवा दें या कुछ भी। जो राउंड था वो 400 मीटर का राउंड था दोस्तों, और जो 400 मीटर 350 कुछ ऐसे करके राउंड बना हुआ था, पूरे गोलाकार में वो 300 कुछ मीटर का राउंड बना हुआ था, उसके 13 चक्कर काटने थे हमको, 13 चक्कर उस ग्राउंड के। तो जो ग्राउंड के 13 चक्कर जहाँ से जैसे स्टार्ट की लाइन डाली थी वहाँ से दौड़ना था, वहाँ से अपने चक्कर खुद काउंटिंग करते रहना था, और उनके 12-13 जो कैंडिडेट थे, सॉरी जो SSB के जवान थे, उन्होंने जो कॉपी पेन पकड़ के खड़े हुए थे, हमारा जो चेस्ट नंबर मिलता हम सभी को दौड़ने से पहले चेस्ट नंबर, जैसे हम वहाँ से क्रॉस कर रहे थे उनके सामने हमें अपना चेस्ट नंबर बोलना होता दौड़ते हुए, जैसे मेरा चेस्ट नंबर 5 है, तो मैं जैसे दौड़ भाग रहा था वहाँ से, तो उनके सामने से जब गुजरूंगा, जैसे यहाँ पर खड़े हैं वो, वहाँ पे अपना चेस्ट नंबर जैसे मेरा 5, तो मैं 5 बोलूँगा हर राउंड में, और अपना राउंड भी साथ में जो है वो काउंटिंग करते रहना। और जो SSB के जवान थे वो उसमें टिक करते रहते थे कि जी 5 नंबर वाले का ये पहला चक्कर हो गया, दूसरा, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। और साथ में आपके कैमरे से मॉनिटरिंग भी होती रहती है दोस्तों, जो मॉनिटरिंग होती है वो भी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है, और जो आपको प्रॉपर बता दिया जाता है, और जो चक्कर होते हैं वो आप काउंटिंग करके, जैसे आपको लगे कि जो आपके चक्कर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, 13 पूरे हो चुके हैं, तब आप बैठ सकते हैं। और इसमें कई कैंडिडेट्स इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसमें जो आप गोले से स्टार्ट करते, जैसे सपोज करो कि जैसे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से मैं दौड़ा, और यहाँ पर जब मैं यहाँ पर पहुँचूँगा, तो कैंडिडेट क्या होते, कई जो अभ्यर्थी होते हैं वो यहीं पर जो है यहाँ से 1 स्टार्ट करते थे, यहाँ पर पहुँचते वो 2 कर देते, यहाँ से फिर 3, फिर यहाँ पर 4 करते, ऐसे नहीं। जैसे मैं यहाँ से दौड़ा, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने दौड़ना, तब यहाँ पर 1 नहीं काउंट करूँगा मैं, जैसे यहाँ पर पहुँच जाऊँगा तब 1 होगा, तब 1 गिनना है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपको काउंटिंग करनी है, वहाँ पर वो बता दिया जाता है, जैसे आप स्टार्ट कर दोगे वहाँ से 1 नहीं स्टार्ट करना है, फिर जैसे आप घूम के आओगे, जैसे 13 इधर होगा, तब जो है वो आप जो आपके जो चक्कर है वो पूरे हो जाएंगे। और कहीं कहीं जो दोस्तों ऐसा होता है, टेक्निकल होता है, वहाँ पर आपके पाँव में, दोनों पाँव में चिप बंधवा दी जाती है, चिप और नीचे मैट बिछाए होते हैं, आपने सिर्फ काउंटिंग करनी है, और उस चिप पे जो आपके सॉरी उस मैट पे जो चिप वाले जो आपके ऐसे पाँव डलेंगे, तो वहीं से कंप्यूटर के थ्रू जो है वो सारा डेटा उठा लेता है। आपने काउंटिंग करके जैसे 12 चक्कर होंगे या 13, जिस हिसाब से, जिस ग्राउंड के हिसाब से डिवाइड होगा, तो वो आप अपने काउंटिंग करके बैठ जाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, इतने मिनट में आपकी रनिंग आ चुकी है। अब दूसरी ओर रहता है आपके रोड पे जब रनिंग करवाते हैं दोस्तों, रोड का तो सिंपल सा फंडा है, उसमें 200 कैंडिडेट छोड़ दो या 400 छोड़ दो, 5 किलोमीटर का ये यहाँ से स्टार्ट होगा, भाई यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो रहा है 5 किलोमीटर, तो आपको 200 कैंडिडेट भी दौड़ा सकते हैं वहाँ से, 200 एक साथ छोड़ देंगे और वहाँ पर आप जो है वो दूसरे साइड जो है वो पूरा हो जाएगा आपको, तो इसमें कोई इशू नहीं होता दोस्तों। तो रनिंग का तो इस तरह से एक्सपीरियंस होता है आप सभी का, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, और आप सभी ने इतना घबराना भी नहीं है कि रनिंग जो है वो बहुत ही टफ होती है 5 किलोमीटर, कोई टफ नहीं होती दोस्तों। जो मैंने की हुई रनिंग, मात्र मैं बता रहा हूँ आपको, मात्र मैं 12 दिन में 5 किलोमीटर रनिंग का मेरा इतिहास रहा है, और मैंने 5 किलोमीटर रनिंग जो मात्र 12 दिनों में भी तैयारियाँ करके क्रॉस की हुई है
5 किलोमीटर रनिंग, तो आपके पास तो अभी बहुत समय है, आप धीरे 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 धीरे, और कभी भी दौड़ना है तो जो अपना मुंह है ना वो खोल के ना दौड़ना है, ठीक है, और आगे की ओर झुक के दौड़ना, यूं ऐसे करके नहीं दौड़ना, कभी आगे की ओर झुक के दौड़ना थोड़ा सा, ताकि जो आपकी जो बॉडी है आगे की ओर मूवमेंट रहे और हवा काटते हुए जाए, इस तरह से दौड़ोगे चौड़ा होकर तब आप दौड़ नहीं पाओगे, तो हमेशा मूवमेंट ऐसे झुकाव रखना, ठीक है, और मुंह खोल के कभी नहीं दौड़ना, और लंबे स्टेप में दौड़ने की ट्राई करें, और हाँ टेक्निक ये रहेगी पंजे के बल दौड़ना स्टार्ट करो आप, पंजे के बल, इससे क्या होता है आपको पंप मिलता है, ऊपर पुश होता है, जब भी आप पाँव उठाओगे फिर नीचे से दूसरा पाँव उठाओगे तो जो आगे स्टेप फॉरवर्ड करोगे पीछे से अपने आप पाँव उठता है, अगर सोल के बल दौड़ोगे दोस्तों तो ये इससे क्या होगा आपके यहाँ पर दबाव पड़ेगा, मतलब पूरा शरीर उससे हिलेगा जिससे आप दौड़ नहीं पाओगे, और जो पंजे के बल दौड़ोगे तो बहुत ही अच्छी रनिंग आएगी, और लंबे लंबे कदम दौड़ने की कोशिश करें, तो साथियों और कोई जानकारी चाहिए होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेडिकल के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से जो वो इसका मेडिकल होता है डिटेल में वीडियो लाऊंगा आप सभी के लिए, तो कोई भी कैंडिडेट है अगर आपको लगता है कि रनिंग नहीं हो पाएगी तो बहुत ईजी होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बस बशर्ते आपको जो है बस कंटिन्यू दौड़ते रहना, बस दौड़ते रहना और अच्छे स्टेप में दौड़ते रहना, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई कैंडिडेट जो है वो अच्छा भाग रहा है मैं इसके साथ मैचअप करके चलूँ, बस मैचअप करके चलते रहना, हार नहीं माननी आपने, ठीक है, इतना 5 किलोमीटर में कोई मरता नहीं है, ठीक है, और आराम से क्लियर होती है दोस्तों, 5-24 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है, बस आप में स्टेमिना होना चाहिए, बस स्टेमिना पक्का करो अपना, सब कुछ हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।